आप ये अनशन किस मामले में को लेकर कर रहे हैं? इस मामले से कि अरबों रुपए का घोटाला किया है अधिकारियों ने और 13 गांव के पूरे 14 गांव के पूरे किसानों का एक भी कुगा बंदिया पेड़ और जमीन का पैसा नहीं दिया गया है। और यदि इनसे रिकॉर्ड मांगा जाता है तो ये कहते हैं जीर्ण शीर्ण हो गया। यदि जीर्ण शीर्ण हो गया तो साबित है कि किसानों का किसी का पैसा दिया ही नहीं गया है। जब इसकी कार्रवाई सन 80 से चल रही है तो रिकॉर्ड अधिकारियों को सुरक्षित रखना चाहिए, ये उनका अधिकार बोलता है। लेकिन ये साबित होता है कि अधिकारियों की खुद मिली भगत से ये DM तक भी कहते हैं कि जीर्ण शीर्ण हो गया। कैसे हो गया जीर्ण शीर्ण, हमें इसका जवाब चाहिए। 12 गांव के किसानों की जमीन, मकान, पेड़, बंधिया, खेतीहर जमीन सभी डूब गए हैं। प्रशासन ने वादा किया कि हर किसान को मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन आज तक किसी भी किसान को मुआवजा नहीं मिला। तो किसानों ने मजबूरन होकर विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया। जमालपुर गांव के किसानों ने वोट नहीं डाले। हम 26 साल से लगातार लिखापढ़ी कार्रवाई करते आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री के पास लखनऊ जाकर के भी हमने उन्हें ज्ञापन दिया है, प्रार्थना पत्र दिया है, लेकिन आज तक कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। अब आप क्या चाहते हैं इस आंदोलन को लेकर के? हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे इस धरना प्रदर्शन के उपरांत कोई अधिकारी नहीं आता है, हल नहीं होता है किसी प्रकार से, हमारा अधिकारी यहाँ कोई आके हल नहीं करता है मेरी समस्याओं का, तो अब हम आगे की कार्रवाई नेशनल हाईवे रोड जाम करेंगे। मैं चाहता हूँ कि जिन किसानों की जमीन डूब क्षेत्र में आई है उन किसानों को प्रशासन मौके पर मुआयना करके उन किसानों का मुआवजा मिलना चाहिए। मैं शंकरलाल रेकवार, बुंदेलखंड क्षेत्र ललितपुर से, इंडिया अनहट।